अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये आज हम पाए की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। ये बछड़े के पाए हैं, तो आज बच्चों ने कहा कि पाए बना लें, बरसात का मौसम है। तो आज आपको मैं घर के मसालों से मज़ेदार पाए बना के दिखाऊंगी, जो आपको बहुत पसंद आएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। अब ये मैंने पाए पानी में डाल दिए हैं, इसमें हम आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा इसके अंदर हम नमक डालेंगे, दालचीनी का टुकड़ा, साबुत इलायची, थोड़ा साबुत प्याज भी डाल दें, टमाटर डालना चाहें तो उधर टमाटर डाल दें। अब हम इसको ऊपर लगाते हैं, हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक ये गल नहीं जाते। नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि ये पाए जो हैं ये कहाँ तक पहुँचे हैं, ये कितने गल चुके हैं। देखें कितने सॉफ्ट हो गए, आराम से फिर इसमें जा रही है। ठीक है, अब ये हो चुके हैं। अब हम मैंने तेल गर्म होने रख दिया, तेल हर जगह हुआ तो आप डाल दें। एक प्याज ले मैंने जरा, ये प्याज मैंने ले लिया था बड़ा, इसको हमने लाल करना है और टेस्टी हो जाए। दो टमाटर काट लिए हैं और ये मैं फ्रेश लहसुन अदरक उसके साथ ही ग्राइंड करूँगी। प्याज टमाटर और ये लहसुन अदरक सब साथ ग्राइंड होंगे। ये घर के मसाले ले लिए मैंने, ये डेढ़ चम्मच लाल मिर्च है, ये ज़ीरा पाउडर है एक चम्मच, और ये आधा चम्मच जो हल्दी है, और ये किसा हुआ धनिया है एक चम्मच। ये देखें अब ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे और इनका पेस्ट बना लेंगे टमाटरों के साथ। जो है इसमें डाल दिया, ये मैंने मसाला बनाया हुआ था वो डाल दूंगी। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला, वो मैं बाद में डालूंगी। मसाला अच्छी तरह हो जाए मिक्स, देखते हैं मसाला तैयार हो चुका है। मसाला फर्स्ट क्लास तैयार हुआ है, अब हम इसमें पाए डाल देंगे। अब हम इनको भूनेंगे, ये थोड़ा मसाला इसमें रच जाएगा ना, फिर हम इसमें इसकी यखनी डालेंगे। इसको हम रखते हैं अभी दो मिनट के लिए। इनके अंदर मसाला रच गया है, जो हमने ग्रेवी बनी थी यखनी वो हम इसमें डालेंगे।
अब इसमें हम हसबे गाय का नमक डाल देंगे। जब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे पकने के लिए। चलें जी देखते हैं अब पाए कहाँ तक पहुँचे। हो गए हैं तैयार, देखें। अब इसको हम निकाल लेंगे डिश में। इसको हम गार्निश करेंगे। अदरक डाल दें, इसपे गरम मसाला डाल दें पिसा हुआ, मज़ेदार पाए तैयार है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।